हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर और 3D का जो पोर्शन होता है मैथमेटिक्स में उसको। ठीक है, उसमें हम लोग पहले वेक्टर्स ख़त्म करेंगे और वेक्टर्स वाले चैप्टर में ही मैं 3D भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है ना, जितना अपना 11th क्लास का जो NCERT का 3D वाला पोर्सन है वो, और फिर जब एक बार वैक्टर ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला पोर्सन स्टार्ट करेंगे, उसको फिनिश करेंगे। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ज़रा ये डिस्कस कर लिया जाए कि इस चैप्टर का, इस यूनिट का वेटेज कितना है हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं। जैसे अगर मैं पहले CBSE की बात करूं, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम की, ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में इसका कोई आप लगा लो 13 से लेके 15% तक का वेटेज रहता है वेक्टर और 3D चैप्टर का। ओके, फिर अगर हम JEE मेन की बात करें तो JEE मेन में ऑन एन एवरेज, मतलब दो क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि 3 क्वेश्चन भी आपको मिल जाए ना। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, है ना, तो 8 मार्क्स तो मिनिमम वेक्टर और 3D से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें JEE एडवांस्ड की, ठीक है ना, तो JEE एडवांस में जैसे अगर मैं 2019 का जो JEE एडवांस का पेपर है उसको अगर रेफरेंस मान के चलता हूँ, ठीक है, तो देर वेर 4 क्वेश्चंस, है ना, 4 क्वेश्चन थे। मार्क्स की बात करें तो 14 मार्क का क्वेश्चन आया था। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो कोई 11.5% वेटेज पूरे मैथ के, मैथ वाले सेक्शन का ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हैं कि 12% जो वेटेज है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर एंड 3D वाले पोर्शन से था। ठीक है, द होल आइडिया ऑफ दिस डिस्कशन इज़ टू मेक यू रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट दिस चैप्टर इज़। ओके, तो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझेंगे। वैक्टर में भी आपने फिजिक्स में, है ना, जो बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं फिजिक्स में, तो वहाँ पर आपने थोड़ा बहुत वैक्टर पढ़ा हुआ है, बट फिर से हम लोग वैक्टर को एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। और जो भी इसका एलजेब्रा है, एडिशन है, ठीक है ना, फिर इसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, 2 वेक्टर का प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट, ये सारा कुछ हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। ओके, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि जैसे आप हो, है ना, किसी फील्ड में आप ऐसे दौड़ रहे हो या खेल रहे हो, ठीक है, दौड़ते दौड़ते आप किसी ऐसे पत्थर से, स्टोन से टकरा गए, ठीक है, गिर गया या कुछ हो गया, है ना, मतलब कुछ हुआ नहीं, ऐसे बस थोड़ी सी चोट आ गई आपको, है ना। फिर आपने सोचा कि चलो इस पत्थर को हटाते हैं यहाँ से, तो ताकि किसी और को ये चोट नहीं लगे, तो उसके लिए फिर आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। ओके, तो जब आप ये सोचोगे कि कितना फोर्स मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये जो स्टोन है इसका मास कितना है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आई, मास, है ना, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिस फिजिकल क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है, सिंपली मास में कुछ मैग्नीट्यूड होगा, है ना, कितना केजी इसका वेट हो सकता है। चलो आपने एस्टिमेट किया कि कुछ इसका जो वेट है स्टोन का, सॉरी मास जो है वो कोई 15 kg है। ठीक, तो अब ऐसी, जैसे ये मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, अब ऐसी बहुत सारी और भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसमें कोई डायरेक्शन जैसी कोई बात नहीं होती है ना। तो इस तरीके की जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको कहा गया है स्केल। स्केलर्स की अगर हम बात करें तो स्केलर्स आर द क्वांटिटीज विच इन्वॉल्व मैग्नीट्यूड ओनली, है ना, उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर हम डिफरेंट टाइप्स के स्केलर्स की बात करें तो जैसे डिस्टेंस हो गया, है ना, लेंथ हो गया, जैसे मान लें कि आपसे किसी ने आपकी हाइट पूछी, ठीक है, कि आपकी हाइट क्या है, आपने बताया कि चलो 6 फीट मेरी हाइट है, है ना, ये लेंथ हो गया, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, और हम बात करें मास, स्पीड हो गया, है ना, एरिया हो गया। अच्छा, एरिया में भी कई बार आपको एरिया वेक्टर वगैरह के बारे में जानना, पढ़ने को भी मिल सकता है आगे, है ना, कई बार हम लोग एरिया को वेक्टर के फॉर्म में भी लिखते हैं, बट ऐसे अभी जनरली बात करें हम लोग तो एरिया को हम क्या मान के चलेंगे, स्केलर। ओके, जैसे किसी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम हो गया, है ना, उसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है, सिंपली मैग्नीट्यूड है। ओके,
वर्क डन हो गया है ना, वर्क डन भी स्केलर कहलाता है। मनी है ना, मनी फ्लो की बात नहीं कर रहे हम लोग, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल मनी है ना, आपके पास कितने रुपए हैं, 1,000 रुपये हैं मे बी है ना, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है 1,000 है ना, स्केलर है, डेंसिटी और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे ही हैं जिनमें जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा ही वो उनको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दोज क्वांटिटीज आज कॉल्ड एट स्केलर्स। ओके अच्छा, हम मानते हैं कि चलो मैं दोबारा ये ड्रॉ कर लेता हूँ आपको है ना, ये आप हो, इधर कोई पत्थर पड़ा था ऐसे स्टोन, ठीक है, आपने स्टोन का जो मास है वो एस्टिमेट किया 15 kg। करना आपको क्या है, ये स्टोन को यहाँ से रिमूव करना है ताकि किसी और को चोट नहीं लगे है ना, तो फिर आपको ये सोचना है कि आपको कितना फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये वाली बात आपके दिमाग में आई फोर्स है ना, चलो फोर्स तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि क्या मास है और कौन से डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि वो जो फोर्स अप्लाई करना है वो कौन से साइड में अप्लाई करना है, क्या फोर्स इधर आगे की तरफ अप्लाई करना है। मान लो आपको लिफ्ट करना है इस स्टोन को है ना, उठा के कहीं दूसरी जगह पे रखना है, मतलब ऐसे धक्का नहीं देना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको ये जो फोर्स है वो अपर डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, सही है। अब जितना इस स्टोन का वेट होगा, चलो मैं मान लेता हूँ कि 15 × g हो गया है ना, ओके, तो ये इस स्टोन का वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ये जो वेट है। अब इससे थोड़ा ज़्यादा मैग्नीट्यूड का आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तब आप इसको उठाने में ऐसे एबल हो पाओगे। तो फिर आपने सोचा जी ऐसे ये आपके पास ये फोर्स एक क्वांटिटी आई, आपके दिमाग में तुरंत आया कि हम कौन से डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो इस फोर्स में एक तो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी ये है कि जो भी इसका वेट है उस वेट से ज़्यादा ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि 20 g का हमने फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में करा, तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें एक दूसरी क्वांटिटी भी आ गई जो है डायरेक्शन। ओके तो सपोज हम ये बोल रहे हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके की जो क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ भी डायरेक्शन एक चीज़ आ जाएगी, उस पूरी क्वांटिटी को पूरी डिटरमाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम लोग बोल देते हैं वैक्टर्स, ठीक है। सो वैक्टर्स आर द क्वान्टिटीज विच इन्वॉल्व मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स के अलावा और भी बहुत सारे क्वान्टिटीज हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स तो है ही है ना, मोमेंटम हो गया, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, तो ये सारी क्वांटिटीज जो हैं ये वेक्टर्स कहलाती हैं। ओके तो अभी तक हमने सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे हम लोग स्केलर और वेक्टर में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके अब हम बात करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। ओके वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड होगा, तो अब वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट द्वारा वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा हमें पता है लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं दो, ठीक है, सो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स। ओके सिर्फ लाइन सेगमेंट नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डायरेक्टेड है ना। ओके तो कहीं ना कहीं लाइन सेगमेंट में हमें डायरेक्शन भी इसका दिखाना पड़ेगा। ओके तो चलो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा एक एंड पॉइंट है ए, दूसरा एंड पॉइंट है बी, और जो मेरा डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है। ओके तो ये कहलाया मेरा वेक्टर, ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, ए बी और इसके ऊपर एक एरो लगाया जाएगा, ठीक है, जो डायरेक्शन बताएगा कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, ठीक है, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ए बी वेक्टर, इसको या तो ऐसे पढ़ लेंगे या फिर वेक्टर ए बी ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, कैसे पढ़ते हैं इसको, रीड कैसे करते हैं। फिर अगर इस वेक्टर की बात करें तो इस वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में तीन चीज़ें अपने को मिलेंगी, एक जो इसका इनिशियल पॉइंट है, जैसे इस वेक्टर की बात करें तो इनिशियल पॉइंट इसका ए हो गया, ठीक
फिर इसमें एक टर्मिनल पॉइंट आ जाएगा, टर्मिनल पॉइंट जो कि इसमें बी है, डायरेक्शन इनिशियल से टर्मिनल की तरफ रहेगा। ओके, तो ये तो डायरेक्शन हो गया। फिर ए से बी तक का जितना लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ हमारा इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम एक रूलर ले और उससे इसको मेजर करें और मान लेते हैं कि ये कोई 10 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया, तो हम बोलेंगे कि इस वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 यूनिट है। ओके, इसके साथ साथ वेक्टर में एक और चीज़ ये होती है, ठीक है ना, जिस लाइन का ये लाइन सेगमेंट, जिस लाइन का हिस्सा है, इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है बट ऐसे चलो इसको बोल दिया, कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो गया, है ना। तो जो लाइन सेगमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दो, एक लाइन बना दो, दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ सपोर्ट। ओके, एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, जैसे ये ए बी वैक्टर है ना, तो यहाँ जो हमने एरो लगाया है ए से बी तक, ये इम्पॉर्टेंट है, एरो की डायरेक्शन है ना। अगर हमने गलती से ए बी ऐसे लिखा और डायरेक्शन ऐसे कर दिया, उल्टा है ना, बी से ए तक, तो बेसिकली इसको ऐसे लिखेंगे बी ए, है ना। मतलब एज ए कन्वेंशन हम लोग इनिशियल पॉइंट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं और टर्मिनल पॉइंट को राइट में रखते हैं। ओके, तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, बेशक इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। वो हम लोग आगे और भी देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर, ये सारे कुछ आ जाएंगे। ठीक है, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखा हमने। अच्छा, कई बार फिर हम लोग स्मॉल लेटर से, जैसे इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब स्मॉल लेटर और उसके ऊपर एरो लगा के वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक लेटर लिखाओ, स्मॉल लेटर, उसके ऊपर एरो लगाओ तो वो वेक्टर हो गया, है ना। या फिर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट का यूज करके भी हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की। अब देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो सबसे पहला वेक्टर मैंने लिया, दैट इज़ जीरो वेक्टर। ओके, अब जीरो वेक्टर जैसा अपने नाम से ही पता चल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो जीरो होगा। अब मैग्नीट्यूड इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं ना। इसका मतलब ये है कि इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट बी, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे, कॉइंसाइड कर जाएंगे, है ना। तो एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बी अलग पॉइंट नहीं है, बी और ए दोनों सेम ही है। तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, मैं लिख सकता हूँ ए ए, है ना, इनिशियल पॉइंट भी ए है, टर्मिनल पॉइंट भी ए है। या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, इनिशियल पॉइंट बी है, टर्मिनल पॉइंट भी बी ही है। ठीक है, या कई जगह पे तुम्हें जीरो वेक्टर ऐसे भी देखने को मिलेगा, जीरो लिख के उसके ऊपर एरो लगा दिया ना, ये जीरो वेक्टर हो गया। अच्छा, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन आता है अपना, सही है ना। तो यहाँ इनिशियल और फाइनल दोनों सेम ही है, तो इस किसकी वजह से हम लोग जीरो वेक्टर का डायरेक्शन असाइन नहीं कर पाएंगे, डायरेक्शन बता नहीं पाएंगे। ठीक है ना, कौन से किसकी तरफ डायरेक्शन है इसका वो हम लोग बता नहीं पाएंगे। तो ये एकमात्र ऐसा वेक्टर होता है डायरेक्शन जीरो वेक्टर अपना, जिसके जिसकी डायरेक्शन हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि डायरेक्टर इज डायरेक्शन इज़ नॉट असाइंड। ठीक है, ये तो बात हो गई जीरो वेक्टर की। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है वन। ठीक है ना, तो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा उसको हम लोग बोल देंगे यूनिट वेक्टर। एनी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, है ना। किसी भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन के इक्वल है वो यूनिट वेक्टर हो गया। तो जैसे अगर हम कोई भी एक वेक्टर उठाएं, एनी वेक्टर, कोई भी रैंडमली मैंने एक नॉन जीरो वेक्टर सेलेक्ट कर लिया ए बी, ओके, इसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है, बट कुछ है नॉन जीरो। अगर मैंने इसको उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है वेक्टर और उस ये जो मॉडुलस का साइन होता है ना उसके अंदर, तो इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सही है।
ओके okay. तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर कोई भी वेक्टर हमने लिया और उसको खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वो बन जाता है एक यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो डिवाइड होने के बाद उसका मैग्नीट्यूड तो वन ही हो जाएगा, है ना। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, अब जैसे ये चीज़ है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है तो उसके ऊपर हम लोग ऐसे कैप लगा देते हैं ना। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ए कैप, बी कैप, है ना, सी कैप, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब हम लोग क्वेश्चन में देख के, अगर कुछ भी नहीं बोला सिर्फ कैप लिखा हुआ है तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर्स मान लेंगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है यूनिट वेक्टर का, ठीक। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर बात करें हम को इनिशियल वेक्टर्स की, है ना। को मतलब होता है कॉमन, को मतलब होता है कॉमन, और इनिशियल तो इनिशियल ही। तो ऐसे तमाम वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स हो जाए, है ना, कॉमन हो जाए, वो सारे के सारे वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे इनिशियल पॉइंट मैंने मान लो ए ले लिया, फिर मैंने एक वेक्टर लिया ए बी, ठीक है, ये ए बी वेक्टर हो गया। मैंने मान लो एक दूसरा वेक्टर लिया ए सी, ठीक, ए सी वेक्टर ले लिया। मान लो मैंने कोई ए डी वेक्टर ले लिया, ठीक है ना। तो दिख रहा है सामने, ये जो इनिशियल पॉइंट है तीनों वेक्टर का वो ए है, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि ए बी ए सी एंड ए डी आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है ना। तो डेफिनेशन अगर लिखना हो तो लिख सकते हो ऐसे, तुम दोज वेक्टर्स हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट, सही है, कॉमन इनिशियल पॉइंट्स। नोट्स वगैरह बनाते चलना, अभी आज का जो लेक्चर है ये तो अभी बहुत ही एलिमेंट्री लेक्चर है ना, बट इसके आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसका नोट्स तुम्हारे पास रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया को इनिशियल वैक्टर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इक्वल वैक्टर्स। ओके, अब इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने एक वेक्टर लिया ए बी, ठीक, मान लेते हैं इस वेक्टर का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है सपोज, है ना। फिर मैंने उसी डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर लिया पी क्यू। ओके, अगर मैं इन दोनों के लाइन ऑफ सपोर्ट की बात करूं तो दोनों का जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो पैरेलल है, ठीक है, ये बोल दिया मैंने, लाइन ऑफ सपोर्ट दोनों का पैरेलल है। तो इस केस में ए बी और ये पी क्यू दोनों वेक्टर कहलाएंगे इक्वल। क्यों? बिकॉज दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है वो सेम है ना। तो इक्वल वेक्टर की ये कंडीशन होगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होना। जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इनिशियल पॉइंट ए बी वेक्टर का ए है, पी क्यू वेक्टर का पी है, दोनों का इनिशियल पॉइंट डिफरेंट है बट फिर भी ये दोनों वेक्टर इक्वल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप की बात करें तो फ्री वेक्टर्स किसको कहेंगे। फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है ना। मतलब फ्री वेक्टर्स कैन बी ट्रांसलेटेड। पहले मैं अगर इसके डेफिनेशन को की बात करूं तो ऐसे लिख सकते हैं, दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट, दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड। ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है ना, वो कहलाएंगे हमारे फ्री वेक्टर्स। ओके, तो अभी हम लोग इस चैप्टर में वेक्टर और 3D वाले चैप्टर में जितने भी वेक्टर्स को डील करेंगे वो सारे के सारे वेक्टर फ्री वेक्टर होने वाले हैं, मतलब उन फ्री वेक्टर्स को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, फ्री वेक्टर्स कैन बी
ट्रांसलेटेड, कैन बी ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड का क्या मतलब है ट्रांसलेट करने का, जैसे जैसे मेरे पास ये कोई ए बी वेक्टर है, ठीक है। अब इस ए बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिटेन रखते हुए और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रखते हुए, इसको मैंने अगर सेम लाइन ऑफ सपोर्ट में आगे बढ़ा दिया, ठीक है, मान लो यहाँ लेके आया, लाइन ऑफ सपोर्ट हमने सेम ही रखा तो डायरेक्शन सेम हो गया। अब ये पॉइंट तो कोई दूसरा हो गया ये, ठीक है ना, ऑब्वियसली वो ए और बी पॉइंट तो नहीं है, लेकिन ये दोनों वेक्टर जो हैं ये अभी भी इक्वली माने जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्री हैं, तो इनका इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है ये फिक्स तो है नहीं। तो जैसा हमने पीछे अभी पढ़ा था कि इनिशियल पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है इक्वल वेक्टर के लिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिटेन रखते हुए वी कैन ट्रांसलेट फ्री वेक्टर्स, ठीक है ना। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन ऑफ सपोर्ट पे ही ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम किसी भी ऐसी लाइन पे ट्रांसलेट कर सकते हैं जो उसके पैरेलल हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने मैंने यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, ए और बी को ट्रांसलेट करते करते इधर लेके पी क्यू पे लाके रख दिया ना, तो अभी भी ए बी और पी क्यू दोनों इक्वली कहलाएंगे, ओके। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि दिस फ्री वेक्टर्स आर, दिस फ्री वेक्टर्स कैन बी ट्रांसलेटेड, ओके, फ्री वेक्टर के बाद फिर अपना नेक्स्ट टाइप जो आता है वो हो जाता है लोकलाइज्ड वेक्टर। अभी लोकलाइज्ड वेक्टर किसको कहते हैं, तो लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स है, इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स है। अब इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स है तो उसको हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ओके, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रखते हुए भी ट्रांसलेट उसको किया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जो भी फ्री वेक्टर नहीं है ऑब्वियसली वो लोकलाइज्ड वेक्टर है। हम लोग इस चैप्टर में जो वेक्टर्स को डील करने वाले हैं वो सब के सब फ्री वेक्टर्स होंगे, उनको हम लोग बड़े आराम से ट्रांसलेट कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप आता है अपने पास पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं, तो ऐसे दो वेक्टर जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो जाए, ठीक। जैसे मान लो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ किया, दूसरा लाइन ये ड्रॉ किया, ठीक है, मान लेना कि ये पैरेलल है। अब यहाँ से मैंने कोई एक वेक्टर सेलेक्ट किया, ओके, मान लिया ए बी वेक्टर, दूसरे लाइन से मैंने कोई दूसरा वेक्टर सेलेक्ट किया, मान लेते हैं पी क्यू वेक्टर, ठीक है। बट ए बी और पी क्यू का जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो पैरेलल है, तो अब इस केस में ए बी और पी क्यू एक दूसरे से पैरेलल कहलाएंगे। चलो दूसरी वाली लाइन ऑफ सपोर्ट से मैंने एक दूसरा वेक्टर, मान लेते हैं एक्स वाई वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, एक्स वाई वेक्टर, तो एक्स वाई वेक्टर भी जो है हमारा ए बी वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा, एक्स वाई और पी क्यू भी दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ सपोर्ट आर पैरेलल, ठीक है। ये अपने आप में जो है इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन हो गई, है ना। अब पैरेलल में भी जैसे यहाँ पर ए बी और पी क्यू की बात करें, ए बी एंड पी क्यू, ठीक है, तो नो डाउट ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, बट इनका डायरेक्शन अगर सेम है, ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में ए बी और पी क्यू का डायरेक्शन जो है वो एक ही तरफ है, सेम है, तो फिर हम लोग ए बी और पी क्यू पैरेलल वेक्टर तो है ही है। पैरेलल वेक्टर के अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है लाइक वेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, जैसे ए बी और एक्स वाई वेक्टर की बात करें, तो ए बी और एक्स वाई वेक्टर्स भी कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर हैं, लेकिन ए बी और एक्स वाई जो है उनका डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसकी वजह से ये दोनों वेक्टर कहलाएंगे अनलाइक वेक्टर्स। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पैरेलल वेक्टर के दो टाइप हो गए, एक हो गया हमारे पास लाइक वेक्टर और दूसरा हो गया हमारे पास अनलाइक वेक्टर, ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर के टाइप हो गए। तो डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो, मतलब डेफिनेशन ऐसे भी लिखा जा सकता था कि एनी टू वेक्टर्स
जिनका डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो वो पैरेलल वेक्टर होंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ए बी पी क्यू एक्स वाई तीनों का मैग्नीट्यूड मैंने अलग अलग ले लिया, ठीक है। ए बी लेंथ, एक्स वाई लेंथ और पी क्यू लेंथ तीनों अलग अलग है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात हो गई पैरेलल वेक्टर्स की। आगे बढ़े तो कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक। अब कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे? तो कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर हैं जो एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पे मौजूद हों, या जिनको ट्रांसलेट करके एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पे लेके आ सके हम लोग, ऐसे वेक्टर्स कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब जितने भी पैरेलल वेक्टर्स हैं वो सब के सब कोलिनियर वेक्टर भी, अगर पैरेलल वेक्टर फ्री वेक्टर्स हैं, मतलब जिनको ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं ऊपर वाले एग्जांपल में ए बी और पी क्यू को फ्री वेक्टर अगर बोल दूँ, तो ए बी को ट्रांसलेट करके पी क्यू वाले लाइन ऑफ सपोर्ट पे लेके आ सकते हैं, तो वो एक ही लाइन में कोलिनियर, मतलब समझ में आ रहा है। तो पैरेलल वेक्टर और साथ में अगर फ्री वेक्टर बोल दिया जाए तो वही कोलिनियर वेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो मैं डेफिनेशन ऐसे लिख सकता हूँ, ऑल दोज वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ सपोर्ट आर सेम, ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए, वो कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब लाइन ऑफ सपोर्ट अगर सेम नहीं है, जैसे मान लो इसी केस में ए बी और पी क्यू को हम लोग, अब जैसे मैथमेटिक्स में मैंने पहले ही बताया कि हम लोग फ्री वेक्टर्स के बारे में अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है तब भी हम लोग उनको फ्री वेक्टर मान के ही चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अब एग्जांपल में ए बी एंड पी क्यू एंड एक्स वाई ये सब के सब कौन से वैक्टर्स हैं? कोलिनियर वैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे के सारे जो मेरे पास हैं कौन से वेक्टर्स हैं? फ्री वेक्टर्स हैं। तो मैंने ए बी को ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, ए बी को ट्रांसलेट करके मैं इधर पी क्यू पे लेके आ गया, ओके। तो ये बात हो गई कोलिनियर वेक्टर्स की। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप है हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर वेक्टर्स किसको बोलेंगे? को मतलब कॉमन, ठीक है ना, और प्लेन, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर जाएं, ठीक है। जैसे ये जो आपकी स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन को अगर मैं एक प्लेन मान लूँ, और मान के लूँ ये तो है ही एक प्लेन है ना, तो इस प्लेन के ऊपर जितने भी वेक्टर्स हम बनाएंगे, सपोज ये ए वेक्टर बनाया हमने, ये मैंने बी वेक्टर बना दिया, ये मैंने सी वेक्टर बना दिया, ऑल दीज वेक्टर्स आर, ठीक है, ये मैंने कोई डी वेक्टर बना दिया, ऑल दीज वेक्टर्स आर वॉट? कोप्लेनर। तो कोप्लेनर वेक्टर्स ऑलवेज लाई इन अ सेम प्लेन, ऑल दो। तो डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑल दोज वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स, सही है ना। बाकी तो ये हम लोग आगे और समझेंगे कि कैसे वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर लिखा होगा तो वो कोप्लेनर है या नहीं है, है ना, ये सारी बातें हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये तो खैर अभी बात की बात है, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक टाइप्स पढ़ रहे हैं वेक्टर्स के, ठीक। तो ये तो हो गए कुछ वेक्टर के बेसिक टाइप्स। अब वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म बताने से पहले मुझे थोड़ा सा यहाँ पे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। अभी तक हम लोग 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके हैं। 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, जैसे एक्स एक्सिस हो गया अपना, ठीक है, वाई एक्सिस हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो रेफरेंस लाइन्स हम लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस बोल दिया, वर्टिकल वाले को हमने वाई एक्सिस बोल दिया। तो ये अपना 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जिसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी
बोलते थे, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे यहाँ पे अगर कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक कि ओरिजिन से एक्स के डायरेक्शन में हमें कितना ट्रेवल करना पड़ा, और फिर वहाँ से हमें वाई के डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है। अगर हम एक्स के डायरेक्शन में अल्फ़ा ट्रेवल किए तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका अल्फ़ा हो जाएगा, वाई के डायरेक्शन में बीटा ट्रेवल किए तो वाई कोऑर्डिनेट इसका बीटा हो जाएगा। ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको सबको पता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऑब्वियसली दो कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं होंगे, वहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, और वो कैसे होंगे, क्या होंगे, देखते हैं। ओके, तो अब मेरे पास 3 एक्सिस है, ठीक है, और तीनों आपस में जो है वो परपेंडिकुलर हैं। ये भी 90 डिग्री पे हैं, ये दोनों भी 90 डिग्री पे हैं, और ये भी आपस में 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। पीछे की तरफ भी अगर मुझे एक्सटेंड करना हो तो ये इसका ऑपोजिट साइड हो गया, ये इसका, ठीक है ना, ऐसा कुछ। इसको बोल दिया मैंने एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया वाई एक्सिस, और ये ऊपर वाले को बोल दिया जेड एक्सिस, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग कि एक्स को ही यहाँ पे हमारी जो हमारी तरफ है, ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला, ये वाला, ये हमारी तरफ है ना, पॉइंटिंग आउटसाइड द स्क्रीन, ऐसे समझ लो। बट ये 3D है तो मुझे ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसको हमने वाई एक्सिस बोल दिया, जो ऊपर की तरफ है इसको मैंने जेड एक्सिस बोल दिया, ठीक है ना। मोस्टली ऐसे 2D की बात करें तो यहाँ एक्स होता है, यहाँ वाई होता है, तो फिर यहाँ मुझे जेड ले लेना चाहिए, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। बट मोस्टली तो एक्स जो है वो हमारी तरफ वाला एक्स हो गया, ठीक है, ऐसे बुक्स में देखने को मिलेगा तुम्हें, तो वैसे मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, मतलब अगर तुम एक्स से वाई की तरफ अगर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे तो पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में तुम्हारा थंब जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना नेगेटिव वाई, ये हो गया नेगेटिव एक्स, और इधर नीचे की तरफ हो गया नेगेटिव जेड। ये हो गया अपना 3D कोऑर्डिनेट, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसा करने से ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो जो हमारा पूरा स्पेस है ना वो 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेंट्स। जैसे 2D में हम लोग दो रेफरेंस लाइन ऐसे ड्रॉ करते थे, तो जो हमारा प्लेन था वो 4 हिस्सों में डिवाइड होता था, तो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इसका नाम रख देते थे, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमारा स्पेस है वो 8 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, तो अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे पास एक डायग्राम है, ये देखो। ये हमारा ओरिजिन है, ये सामने की तरफ वाला हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। मान लो तुम यहाँ बैठे हो अभी, यहाँ पर भी बैठ के तुम वीडियो देख रहे हो, ये वाला रूम है, ठीक है, ये फ्लोर है, ये तुम्हारा रूम का फ्रंट वॉल है, और ये रूम का तुम्हारे साइड वॉल है, ठीक है ना। यहाँ बैठ के तुम जो भी है अपना लेक्चर पढ़ रहे हो, ओके। तो हम देखो, ये जो साइड वॉल की तरफ एक दूसरा एक कमरा इधर दिख रहा है, फ्रंट वॉल के दूसरी साइड में एक और रूम दिख रहा है, और तुम्हारे ऑपोजिट यहाँ पर एक और रूम है, तो ये 4 रूम्स तो यहाँ पे ऊपर, मतलब इसको ऐसे समझो कि ये मतलब 2 स्टोरी एक घर की तरह इसको समझ लो, ठीक है ना। तो ऊपर वाले ऐसे कमरे में तुम यहाँ बैठे हो, ये कहलाएगा तुम्हारा जहाँ पर तुम हो फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। तुम्हारे सामने की तरफ जो कमरा है फ्रंट वॉल से लगा हुआ, वो कहलाएगा सेकेंड ऑक्टेंट, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमो जैसे
वहाँ भी हम लोग तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते थे ना, 2D में भी फर्स्ट सेकंड, फिर यहाँ वाला जो ऊपर वाला कमरा है वो कहलाएगा तुम्हारा थर्ड ऑक्टेंट, और ऊपर एक ही कमरा और बच गया वो कहलाया हमारा फोर्थ ऑक्टेंट। ठीक है, 1 2 3 4 ऑक्टेंट ये हो गए। इन्हीं के नीचे सब में चार चार ऐड कर लो, मतलब 1 में 4 ऐड करेंगे तो फिफ्थ ऑक्टेंट ये तुम्हारे नीचे वाला कमरा हो गया। ठीक है, सेकंड के नीचे वाला हो गया सिक्स्थ ऑक्टेंट, थर्ड के नीचे हो गया उधर, अब मैं लिखूँगा कहाँ पे उसको, जो यहाँ पे है ना उसको लिख देता हूँ, थर्ड के नीचे जो है तो उसमें 4 ऐड किया तो वो हो गया सेवन्थ ऑक्टेंट, और ये फोर्थ के नीचे वाला ये वाला ये कहलाया मेरा ऑक्टेंट नंबर 8। सही है, तो जिस भी कमरे में तुम बैठे हो है ना, तुम्हारी फ्रंट मतलब तो सामने लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है वो तुम्हारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, तुम जिस कमरे में हो वो तुम्हारा फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया, सेम फ्लोर पे तुम्हारे सामने वाला कमरा सेकंड ऑक्टेंट, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमो थर्ड ऑक्टेंट, और तुम्हारे लेफ्ट साइड वाला जो रूम है सेम फ्लोर पे वो हो गया तुम्हारा फोर्थ ऑक्टेंट, और 1 2 3 4 के नीचे चार चार जोड़ दो तो वो 5 6 7 8 ऑक्टेंट, ये कुल मिला जुला के 8 ऑक्टेंट्स आ गए मेरे पास। ठीक है, अब जैसे हम वहाँ पे 2D में बोलते थे, 2D में हम ऐसे बोलते थे ना कि फर्स्ट ऑक्टेंट में ये पॉजिटिव एक्स होता था, ये नेगेटिव एक्स होता था, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, तो यहाँ बोलते थे कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहता था, इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव रहता था, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते थे और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता था, तो ऐसे ही ऑक्टेंट में भी तो होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो देखते हैं ज़रा कैसे क्या होगा, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, देखते हैं, तो अब देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स था, ये तुम्हारा पॉजिटिव वाई था, और ये तुम्हारा पॉजिटिव जेड था, तो जिस रूम में तुम बैठे हो वो तीनों पॉजिटिव वाला है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑक्टेंट है उसमें जो है तीनों तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर हम बात करें सेकेंड ऑक्टेंट की, तो तुम्हारे सामने वाला जो रूम है उसमें हम नेगेटिव, तुम ऐसे सोचो इमेजिन करके कि सेकेंड ऑक्टेंट में कोई पॉइंट रखा है, अब ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले मुझे नेगेटिव एक्स में ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर हम पॉजिटिव वाई में ट्रेवल करेंगे, और फिर हम पॉजिटिव जेड में ट्रेवल करेंगे। समझ आ रहा है, तो इसलिए सेकेंड ऑक्टेंट में एक्स नेगेटिव और बाकी दोनों वाई और जेड पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड ऑक्टेंट में यहाँ कोई पॉइंट रखा हुआ है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें नेगेटिव एक्स में जाना पड़ेगा, फिर नेगेटिव वाई में जाना पड़ेगा, और उसके बाद पॉजिटिव जेड में जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये तुम्हें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें ये ऑक्टेंट अच्छे से क्लियर है, ठीक है ना, कि जिस रूम में तुम बैठे हो वो फर्स्ट है, ठीक है, तुम्हारे सामने वाला सेकंड है, तुम्हारे लेफ्ट वाला जो रूम है वो फोर्थ है, और फिर एक और जो रूम डायगनली अपोजिट वाला रूम बचा वो थर्ड हो गया, ये सब चीज़ें अगर तुम्हें याद हैं तो तुम इमेजिन करके ये समझ सकते हो कि ओरिजिन से कौन सी नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है ना, उसके हिसाब से हम लोग क्वाड्रेंट्स का पॉजिटिव नेगेटिव सब बता सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, अगर मैं तुमसे पूछूं -4 7 -6 ये कौन से ऑक्टेंट में आएगा, ठीक है, तो हम ऐसे सोचेंगे कि हमें नेगेटिव एक्स में जाना है। ठीक है, इमेजिन करें हम जिस रूम में बैठे हैं तो नेगेटिव एक्स में गए, उसके बाद हम पॉजिटिव वाई में आए, अगर हम नेगेटिव एक्स में गए और पॉजिटिव वाई में आए तो इसका मतलब अभी हम लोग सेकेंड ऑक्टेंट वाई में हैं। ठीक है ना, फिर वहाँ से हम नेगेटिव नेगेटिव जेड में जा रहे हैं, जब नेगेटिव जेड में जा रहे हैं तो सेकेंड के नीचे वाले में पहुँच गए, और सेकेंड के नीचे वाला कौन सा होता है, सेकेंड के नीचे वाला सब में चार चार जोड़ना था ना, तो सेकेंड के नीचे वाला 6 हो गया। ठीक है, समझ आ गया, ये 6th ऑक्टेंट में हो गया, ये जो मैंने टेबल बना रखा है वहाँ से भी तुम वेरीफाई कर सकते हो, देखो 6th ऑक्टेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव दिख रहा है,
तो ये टेबल तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम इमेजिन करके ये बता सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया 3 -2 -1, ठीक, 3 -2 -1, डू नॉट लुक एट द टेबल, टेबल को मत देखो, इमेजिन करो पहले तुम पॉजिटिव एक्स में चले हो, ठीक है, तो ओरिजिन से अपनी तरफ तुम 3 यूनिट चले एक्स एक्सिस पे, फिर वहाँ से तुम नेगेटिव वाई में गए, नेगेटिव वाई में अगर गए तो मतलब तुम लेफ्ट वाले कमरे में पहुँच गए, ठीक है ना, लेफ्ट वाले जो तुम्हारा रूम है उसकी फ्लोर पे हो अभी तुम, फिर वहाँ से तुम नेगेटिव जेड में जा रहे हो, ये नेगेटिव जेड में, ठीक है, तो जो तुम्हारे लेफ्ट वाला रूम है उसके नीचे वाला रूम, लेफ्ट वाला जो होता है वो फोर्थ होता है, और फोर्थ के नीचे चले गए तो कौन से क्वाड्रेंट में, 4 + 4 हो गया 8th ऑक्टेंट, सही है, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, 8th ऑक्टेंट में देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये 3D स्पेस का इंट्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि 3D में कैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूले का यूज कर पाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला किस प्रकार से 3D में यूज कर पाएंगे हम लोग पॉइंट्स के ऊपर, ये जो टॉपिक होगा वो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट, वेक्टर का ये हो गया। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, आई विश यू अ ग्रेट डे, ओके, बाय बाय, टेक केयर।